जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है, और अगर आप पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है इनएक्टिव कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार से अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करेंगे, और साथ में जो है आपको क्या प्रोसेस होने वाला है लिंक करने का 2024 में, आपको मैं सारा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, तभी जो है आपको ये जानकारी मिल पाएगा कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, अगर आपका लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार से लिंक कर पाएंगे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी जो आपको पूरा ये जानकारी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपने पैन कार्ड को किस प्रकार से चेक करेंगे कि आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। तो दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहां मैं आपको इस तरह के रिलेटेड जो भी अपडेट आता है मैं वहां पे सबसे पहले डाल देता हूं, इसलिए दोस्तों आपको वहां पे ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक नहीं होगा तो हम लोग वही जानेंगे कि किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं। आधार पैन कार्ड लिंक स्टेटस चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आपको डायरेक्ट गूगल पर से आना चाहते हैं तो गूगल पे आपको सर्च करना है publictime.in, और जो आपको पहला वेबसाइट दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा तो जैसे ही आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में ही चेक आधार पैन लिंक स्टेटस करके यहाँ पे आपको एक पोस्ट का लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ की आपको पूरा जानकारी बताया गया है अपने पैन आधार लिंक स्टेटस को चेक करने के लिए, और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे सबसे नीचे आपको इम्पोर्टेंट लिंक में आ जाना है, और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके आधार के साथ पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। तो स्टेटस चेक करने के लिए जो क्लिक हेयर पे है तो वहां पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक न्यू वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा जहां की आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल करके व्यू लिंक स्टेटस पे चेक करना है। डिटेल डाल देने के बाद व्यू लिंक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो और यहां पे जैसे कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहां पे आपको डिटेल दिखा देगा कि यहां पे जो मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो यहां पे ऑलरेडी लिंकेड लिखा गया है, इसको क्लोज कर देना है। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं लिखाता है तो किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं चलिए जानते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपको नीचे में दिखेगा आधार पैन लिंक, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ की आपको आधार लिंक करने का पूरा जानकारी बताया गया है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अभी आपने आधार को पैन के साथ अगर आप लिंक करते हैं तो आपको जो है ₹1,000 पेमेंट करना होगा, और ये जो है आपका पैसा कभी भी लौट के नहीं आएगा, नो रिफंडेबल होगा। आपको ₹1,000 अभी चार्ज देना होगा आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के लिए। इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए आपको जो है नीचे में यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है, उसके बाद जो है आधार नंबर डाल देना है, और आधार नंबर डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट पेज पे लेकर जाएगा। पेमेंट पेज पे लेके जाने के बाद वहां पे आपको ₹1,000 का पेमेंट कर देना है, और उसके बाद जो है आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। और एक बात आप ये चीज समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि आप ₹1,000 पेमेंट कर दिए आपका आधार पैन लिंक हो गया, ऐसा नहीं है। आपसे को जो है 1 महीने के अंदर में ये लिंक होगा, ऐसा नहीं है कि अभी आपने अप्लाई किया और जस्ट जो है आपका पेमेंट करने के बाद आधार पैन से लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 1 महीना लगेगा इसको आधार पैन को लिंक होने में, आपको 1 महीने का वेट करना होगा। 1 महीने के बाद जो है आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप इस वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पैन लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो कुछ इसी प्रकार से आप 2024 में नए तरीके से आप अपना पैन आधार लिंक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कि अपना पैन कार्ड आधार कार्ड स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो किस प्रकार से 2024 में न्यू प्रोसेस से लिंक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।